जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है लेकर एक और मैच। बात करेंगे आज नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 की। नीदरलैंड ने अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और पाकिस्तान को थोड़ा टाइम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट से खेले हुए। वेस्टइंडीज के खिलाफ लास्ट सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी, ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी एक होगा ये वार्म अप काइंड ऑफ कि इससे उसके बाद एशिया कप है और फिर 7 T20 इंग्लैंड के साथ खेलने हैं पाकिस्तान को, तो ऐसे में पाकिस्तान अपने आप को अच्छे से वार्म अप करना चाहेगा इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले। क्या प्लेइंग 11 होगी दोनों टीमों की? नीदरलैंड के कुछ प्लेयर्स 100 में और काउंटी सीजन में बिजी हैं, तो उनका प्लेइंग 11 का लुक कैसा होगा? क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की और किस नीदरलैंड की वीकनेस पे पाकिस्तान प्रहार कर सकता है, ये सारी बातें वीडियो में हम करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल। कैसे करना है? इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहां मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सबसे आसान और सुलभ तरीका है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तब क्या करें? तब ये करें, टेलीग्राम ऐप पर जाएं अपने फोन में, वहां जाके सर्च करिएगा क्रिकेटोलॉजी। जब आप क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे आपको ये वाला चैनल दिखेगा। ये वाला चैनल आप देखें, दो चीजें मैच कर लें। पहली बात तो ये कि आपको क्या करना है, मेंबर्स देख लेने। मेंबर 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसको लेके आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, वो करना है। और उसके साथ आपको क्या करना है, यूजर नेम क्रॉस मैच जरूर कर लेना। इससे मिलते जुलते यूजर नेम के भी टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं और उन्होंने बाकायदा सारा कुछ मेरा ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो ऐसे मैं कह रहा हूं चोरों के चक्कर में ना आए, अन्यथा आपके साथ ठगी हो सकती है। आ जाते हैं इस मैच पर। पाकिस्तान और नीदरलैंड का ये मैच है, ठीक है? तो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो नीदरलैंड ने जो एक टीम बनाई है नीदरलैंड बेस्ड प्लेयर्स की, क्योंकि मैंने जैसा बताया काउंटी और द 100 में कुछ प्लेयर्स बिजी हैं, तो उसके बाद जो बेस्ट प्लेइंग 11 निकलता है वो कुछ इस तरीके का होगा। मैक्स दाऊद ओपनिंग करेंगे, उनके साथ ओपनिंग करेंगे विक्रमजीत सिंह। 3 नंबर टॉम कूपर खेलेंगे, 4 नंबर बास दिलीप खेलेंगे, 5 नंबर कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स खेलेंगे, 6 नंबर वेस्ली बरासी, बहुत सीनियर प्लेयर हैं, काफी साल खेले हैं, फिर अभी पीछे टीम से हटा दिए गए थे, लगभग संन्यास कह सकते हैं, फेयरवेल सीरीज भी उनकी हो सकती है, संन्यास के आसपास है। लोगान वान वीक खेलेंगे, उसके बाद फिर टिम प्रिंगल, सारिज अहमद, आर्यन दत्त और रयान क्लिन। इस टीम में बदलाव की बात करूं तो रयान क्लिन की जगह विवियन किंगमा आ सकते हैं, बाकी बदलाव कुछ होगा नहीं। बॉलिंग की बात करूं तो ओपनिंग ओवर्स लोगान वान वीक से आएंगे, उनके साथ आर्यन दत्त बॉलिंग करेंगे, फर्स्ट चेंज टिम प्रिंगल हो सकते हैं। डेथ ओवर्स वान वीक देखेंगे और उनके साथ प्रिंगल को एक ओवर मिलेगा, उसके साथ बास दिलीप भी बॉलिंग आपको करते नजर आ सकते हैं डेथ ओवर्स में। उसके अलावा गेम कवर बास दिलीप का सबसे ज्यादा होगा, 3 से 4 ओवर का स्पेल बॉलिंग से प्लस 4 नंबर बैटिंग रहेगी, 3 नंबर भी आ सकते हैं एट टाइम्स। तो इस तरीके का हिसाब है। रिसेंट फॉर्म करूं दिलीप की बहुत अच्छी चल रही है, स्कॉट एडवर्ड्स की बहुत अच्छी चल रही है, टिम प्रिंगल की, सारिज अहमद की, इन प्लेयर्स की फॉर्म काफी अच्छी चल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान के 16 मेंबर्स का जो दल गया है उसमें से जो बेस्ट प्लेइंग 11 बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखें। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आपको पता है कि ओपनिंग करते हैं T20s में, तो ओपनिंग करेंगे एज यूजुअल। 3 नंबर अब्दुल्ला सफीक के खेलने की संभावना है, क्योंकि अब्दुल्ला सफीक अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान सुपर लीग में ओपनिंग करते हैं, इनको चुना गया है T20s के लिए, इनको नहीं लिया तो इनकी जगह इमाम उल हक आ सकते हैं। सिर्फ ये एक मिक्स चेंज हो सकता है कि अब्दुल्ला सफीक की जगह इमामुल हक, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। 4 नंबर फकर जमान खेलेंगे, इनका ऑर्डर भी एक्सचेंज हो सकता है कि अब्दुल्ला सफीक 4 नंबर और बाबर फकर जमान 3 नंबर खेले, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 5 नंबर आगा सलमान, उभरते हुए अंडर-19 से आए हुए प्लेयर हैं आगा सलमान, बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ज्यादा करते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। अब इनको चुना क्यों जाएगा वो मैं बताऊंगा। खुशदिल साहब भी ऐसे ही आगा सलमान की तरह बैटिंग प्लस कुछ ओवर्स बॉलिंग के। सदाब खान, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी और वसीम, ये प्ले टीम रहने की संभावना है। स्ट्राइक ओवर्स 3 ओवर्स मिलेंगे, उम्मीद है शाहिन शाह अफरीदी को। उसके अलावा आपका हारिस रऊफ को 1 ओवर कराया जाएगा, 2 ओवर मोहम्मद वसीम से कराए जाएंगे पावर प्ले में, या फिर सादाब खान से भी कराई जा सकती है बॉलिंग पावर प्ले में 1 ओवर की। ऐसी
संभावना है इस डेथ ओवर्स में 3 ओवर्स हारिस रऊफ से, 2 ओवर मोहम्मद वसीम से और 1 ओवर शाहीन शाह अफरीदी का होगा, ऐसी संभावना है। मिडिल ओवर्स जो है वो शादाब खान के साथ मोहम्मद नवाज संभालेंगे, और चूंकि नीदरलैंड की वीकनेस है स्पिन तो खुशदिल शाह और आगल सलमान की तरफ भी कुछ ओवर्स आ सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। ये प्लेइंग 11 की कहानी है दोनों टीमों की। अब चलते हैं स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग टीम की तरफ से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा प्रॉफिट ट्रिक। तो दोस्तों प्रॉफिट ट्रिक क्या है? प्रॉफिट ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो आप जिस भी ऐप पे खेलते हैं उसे छोड़ के खेलना शुरू करिएगा विजन 11 ऐप पर। विजन 11 बहुत शानदार, बहुत अच्छा ऐप है, आज की डेट में उससे बेटर ऐप नहीं है। हेड टू हेड, स्मॉल लीग, 3 मेंबर, 4 मेंबर, जैसे कॉन्टेस्ट आपको चाहिए वैसे कॉन्टेस्ट विजन 11 पर अवेलेबल है। करना क्या है आपको, डाउनलोड कैसे करना है, लिंक टेलीग्राम पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, सबसे आसान और सुलभ तरीका है। ठीक है, बाकी जितना बताऊं उतना कम है। मल्टी स्पोर्ट ऐप है, बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, रिवर्स टीम, सेकंड इनिंग, सब कुछ खेल सकते हो यहाँ पे। ऑल इन वन ऐप है, इसलिए अभी जुड़े और खेलना शुरू करें। समय ज्यादा ना लेते हुए स्मॉल लीग टीम पे चलते हैं। विकेट कीपिंग में आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान और स्कॉट एडवर्ड्स, जो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे अपनी टीम के लिए। रिजवान ओपनिंग करेंगे और T20 के लास्ट T20 ICC क्रिकेटर रहे हैं, आपको पता होगा, तो ऐसे में उनको ड्रॉप करना तो बहुत रिस्की है। तो रिजवान रहेंगे और इनके साथ स्कॉट एडवर्ड्स भी रहेंगे। एडवर्ड्स 4 या 5 नंबर बैटिंग करेंगे, 5 नंबर की संभावना ज्यादा है, लेकिन रिसेंटली फॉर्म में थे। अभी पीछे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई, 3 मैचेस में 250 लगाई उन्होंने, तो फॉर्म को इग्नोर आपको नहीं करना है। और ऐसे में जब नीदरलैंड का टॉप ऑर्डर फॉर्म में भी नहीं है, और फिर वहां शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाज भी है जो इनको चटका सकते हैं, तो ऐसे में स्कॉट एडवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। तो स्कॉट एडवर्ड और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी के रूप में 2 विकेटकीपर, 3 बैटर लेके जा रहा हूं, बाबर आजम और फखर जमान, मतलब जो टॉप 3 लीडिंग बैटर्स हैं पाकिस्तान के उनको लिया। उसके अलावा टॉम कूपर अनुभवी है, बिग बैश खेलते हैं, काउंटी खेलते हैं, नीदरलैंड के लिए खेलते हैं, तो टॉम कूपर काफी ठीक ठाक पिक आपकी हो जाएंगे, इनको ले सकते हैं आप। 2 ऑलराउंडर लेके जा रहा हूं, शादाब खान और बाज दिलीप कैप्टन, क्योंकि दोनों टीमों का अगर ओवरऑल मैं करूं इनसे बढ़िया गेम कवर नहीं है। और इन्होंने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 हुए थे उनमें से 2 मैचेस में 50 लगाई थी और 1 मैच में 48 बनाए थे, मतलब लगातार 3 मैचेस में लगभग 50 तक पहुंचे थे और विकेट्स भी ले रहे हैं। 1 मैच में 2 लिए थे, 1 में 1 लिया था, 1 में गेंदबाजी कम करी थी, तो बढ़िया फॉर्म में, इसलिए कैप्टन बना रहा हूं। बहुत कम लोग इनको कैप्टन बनाएंगे पहले मैच में, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। शादाब खान एक और पिक हो गए, 4 ओवर में लेग स्पिन है, आपको पता विकेट्स निकाल सकते हैं। 4 गेंदबाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम, मतलब जो लीडिंग बॉलर है पाकिस्तान के, उनको पिक किया। और उनके साथ टिम प्रिंगल की नेक है कि वो विकेट्स ले जाते हैं अक्सर एकाधिकार, तो इसलिए टिम प्रिंगल, और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, टाइट बॉलिंग करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन बनाया कि पावर प्ले में 2 से 3 ओवर का स्पेल मिलने की संभावना है। पहले 2 ओवर में विकेट मिला तो 3 ओवर का स्पेल मिलेगा, अन्यथा 2 ओवर डेथ में डालेंगे, और जहां भी डालेंगे डेथ में आएंगे तो भी जो सॉलिडिटी है वो निकल चुकी होगी नीदरलैंड की बैटिंग ऑर्डर की, और पावर प्ले में आएंगे तो जो अभी टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा खस्ता हाल है नीदरलैंड का, तो वहां विकेट्स की संभावना है कि शाहीन शाह को मिल सकती है, इसलिए इनको मैंने वाइस कैप्टन बनाया है। ठीक है, तो ये आपकी स्मॉल लीग टीम होगी। चलते हैं अब आपकी मिनी ग्रैंड लीग टीम की तरफ, वो क्या होने जा रही है, तो वो देखें कुछ बदलाव इस टीम में। जैसे विकेट कीपर तो वही रहे, लेकिन मोहम्मद रिजवान यहाँ पे कैप्टन रहेंगे, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो ये टीम आपकी काफी अच्छी जा सकती है। बाबर आजम वाइस कैप्टन, पाकिस्तान का जो ओपनिंग ऑर्डर और बैटिंग ऑर्डर है वो इनकी स्ट्रेंथ है पिछले 1.5 साल में, तो बाबर आजम वाइस कैप्टन, मोहम्मद रिजवान कैप्टन, फखर जमान एज इट इज रहेंगे, टॉम कूपर की जगह मैक्स दाऊद, ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। जो कैलिवर और जैसी फॉर्म मैक्स दाऊद की चल रही है सेम टॉम कूपर का सीन है, तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। ऑलराउंडर्स में कोई बदलाव नहीं, बास दिलीप, शादाब खान बने रहेंगे। बॉलिंग में भी कोई बदलाव नहीं, सिर्फ टिम प्रिंगल की जगह सारिज अहमद को मैंने लाया है। तो ऑल इन ऑल उस टीम में सिर्फ 2 बदलाव और कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके हमने मिनी ग्रैंड लीग टीम बना दी आपकी, जो कि आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर है। अब चलते हैं टीम 3 मतलब ग्रैंड लीग टीम की तरफ, इसमें क्या बदलाव हुए। तो इसमें थोड़े मैंने रिस्की चेंजेस किए, देखें जैसे विकेट कीपिंग में फिर से सेम ही है, रिजवान एडवर्ड के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन यहाँ बैटिंग में समझौता हुआ कि फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को लेकर आया, तो बाबर आजम की जगह वैसली बरेसी। वैसली बरेसी से क्या फायदा है कि कुछ ओवर्स भी मिल सकते हैं और 5 या 6 नंबर आपको बैटिंग भी मिल जाएगी। अब दिक्कत यह कि बहुत टाइम से एक्टिव क्रिकेट में है नहीं, तो वो एक इशू हो सकता है, अन्यथा गेम कवर इनका अच्छा रहेगा,
ग्रैंड लीग में फिर मोस्ट ट्राई है, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा तीन ऑलराउंडर यहां पे कर दिए मैंने, लोगान वान वीक को लेकर आया हूं, उनके साथ मोहम्मद नवाज है, तो फिर बस दी लीड भी है, सादा भी जगह नवाज को ले आया हूं, नवाज भी अक्सर पावर प्ले में गेंदबाजी करते नजर आ सकते हैं आपको, तो ये भी एक फैक्टर है। और स्पिन चूंकि नीदरलैंड की वीकनेस है तो नवाज उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तीन बॉलर्स पाकिस्तान के ही तीनों, साहिंस अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम, जिसमें कैप्टन हारिस रऊफ और वाइस कैप्टन मोहम्मद वसीम। रीजन ये है कि इतनी मैच्योर टीम तो नीदरलैंड की है नहीं, अगर इस शुरू में जैसे हमने इस टीम में टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी ले रखे हैं, थोड़ी सी पार्टनरशिप लग गई तो लास्ट में विकेट ज्यादा गिरेंगे। और लास्ट में जैसा मुझे लगता है लास्ट के छह में से पांच ओवर हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम के हिस्से आने की संभावना है। हारिस रऊफ के पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा गति है जो फॉक्स कर देती है बैटर्स को, इसलिए उनको विकेट मिलने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए हारिस को मैं कैप्टन बना के जा रहा हूँ, मोहम्मद वसीम को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ। ऐसे करके आपकी बनी ग्रैंड लीग टीम। ठीक है, हमारी और आपकी बात वीडियो में इस मैच से रिलेटेड खत्म होती है, लेकिन आपको ज्वाइन अभी के अभी टेलीग्राम करना है अगर आपको चाहिए इस मैच की अपडेटेड टीम और प्रॉफिट फंडा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ आपको ये करना है कि चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो अभी के अभी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आपकी मुलाकात यही होती रहेगी, बस नोटिफिकेशन बेल और चैनल सब्सक्राइब कर जाना। इस वीडियो में इतना ही, आप सब होप इंडिपेंडेंस डे एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा मनाया होगा आपने, सबकी खैर करे खुदा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।